पीछे में बालक को लेकर के जो बैठे हैं, मंदबुद्धि पागलपन है, वह ठीक से चल नहीं पाता है, वो जो है बालक जिसको शून्यपन है उनके साथ ही आ जाए। नहीं, नहीं, रोगी को नहीं लाएं, रोगी को वहीं रखें, आप आ जाएं। और आज महाराष्ट्र का एक बहुत पावन पर्व है, त्योहार है पोला। पोला, आप सबको शुभकामनाएं। माता पार्वती की पूजा होती है, नंदी भगवान की पूजा होती है, पोला महोत्सव, अद्भुत बात। आप बैठो, बिराजो। वो बच्चा आपके साथ था? अच्छा, पहले हम तुम्हारी माला पहन लो। कहाँ से आना हुआ है? माइक लो, पहले तो माइक लो। नागपुर से है, और उसके पहले उमरेड में। एक मिनट, आप नहीं हैं, आप हैं, आपके बालक का नाम सूरज है। सूरज, आप नहीं हैं। पर्चे में आया, हमारे वाईफाई में आया, आने के बाद भी अगर आपने चतुरता की तो रॉन्ग यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि इसमें रेड लाइट जल गई पूरी। पर्चे में एकदम आया, या आप भी इसको लॉक कर सकते हो, फिर भी ये पर्चा ले जाओ और बैठ भी जाओ, शायद दोबारा बुलाएंगे बालाजी। पर्चा तो है, लेकिन उसमें वो लिख के आया है कि आप नहीं हैं, आप नहीं हैं, बैठो, राम नाम का जप करो, शायद भूल जाए। और पढ़ो भी कि हनुमान जी कितने खतरनाक, कि अगर तुम छल करना भी चाहो तो हो नहीं सकते छल। माइक लीजिए, आप कहाँ से हो? बालाघाट से। अरे, एमपी से यहाँ कैसे आ गए? ये तो महाराष्ट्र है। नज़दीक आइए, बोलिए क्या बात है। बाबा जी, मेरी परेशानी बहुत है, बेटे को बहुत बड़ी परेशानी है। क्या हो गया उसको? उसको बचपन से मतलब परेशानी। ठीक है, और कुछ पूछेंगे? आपके प्रश्न आए हैं टोटल तीन। जी जी, आपके बेटे का नाम क्या है? स्वप्निल। एक नाम और है चलता है जी, घर पर कुछ और बोलते हैं क्या उसको? नहीं, स्वप्निल ही बोलते हम बोलते हैं। बालक को पैरवा शरीर में शून्यपन है जी। माइक नजदीक करिए जी। चल नहीं पाता जी, जन्म जात दिक्कत है जी, मंद बुद्धि भी है, बोल भी ठीक से नहीं पाता, रोता है, झटका लगते हैं, झटका यानी मिर्गी के दौरा, ब्रेन में समस्या बनी है। स्वप्निल उर्फ गुड्डू नामक बालक 40% लाभ धाम से होगा, गुड्डू नाम माँ के द्वारा दिया गया घर का है। हाँ या ना? हाँ, माइक से बोलिए। सही बोल, यही बात है। अभी आप उसकी मुट्ठी बंधवा दीजिए, हम सेना भेज देते हैं, पूर्ण आराम नहीं लगना है, ये तय है। देखो जो है, हम नहीं कहते, हमें तो जो आदेश लगता हम बिना लाग लग पेट के बोलते हैं, तो उसमें मात्र 40% लगना है, बालाजी कृपा करेंगे। घर की दिक्कत है, परेशानी बहुत आती है, पूरा उपद्रव मचता है पूरे घर में, आर्थिक तंगी का भी एक अर्जी आपने लगाई जिससे जूझ रहे हैं। वर्तमान में बहुत आप पूर्व में, वर्तमान में तो धाम पर हैं, पर पूर्व में आप बहुत दरबारों में हो आए, आपने अनेक दरबारों में रुपया भी बर्बाद किया, कहीं जड़ी बांधी, जड़ी मिसी, कहीं पर मालिश की, कहीं पर लटाया, भभूति की मालिश की, आपने लगातार तीन जगह ज़्यादा ज़्यादा रुपया भी दिए, क्योंकि उन्होंने गारंटी ले रखी थी कि हम इसको चला कर बताएंगे, हम इसका दिमाग ठीक करके बताएंगे, डॉक्टरों ने लाइलाज घोषित कर दिया है। एक विवाद भी आपका घर का बना हुआ है, जिसमें उपद्रव मचने के कारण आपको बहुत क्रोध आ रहा है, वो विवाद सुलझेगा, आर्थिक विकास होगा। तंत्र मंत्र में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बालक पर कोई भूत बाधा नहीं है, ना आपके घर पर भूत बाधा है। आप भभूति ले लो, ये भाई भभूति वहाँ से बांटो, जो ये भभूति वहाँ से बांटो,
है।